Hello, people. <coughs> very, very good morning. Very, very good morning, people. I hope you're doing wonderful. <coughs> How are you? How are you, people? How are you doing this morning? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग पीपल हाउ यू डूइंग दिस मॉर्निंग चलिए यारो लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम मस्त मजे में क्या बात है क्या बात है ये बात हुई ना यारो ऐसे एकदम पॉजिटिव आउटलुक पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे और बड़ा मजा आएगा चलो गेस पीपल आई एम ऑल्सो डूइंग रियली गुड यस 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 आज शनिवार का लेक्चर है आज कुछ खास होगा एवरी सैटरडे लेक्चर हमेशा कुछ खास रहेगा चलो यस पीपल यस 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 चलिए यार चलो कदम यस 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 आई होप यू डूइंग वंडरफुल एंड अरे आप सब गधे बहुत अच्छे हो मुझे बताया आप सब गधे बहुत अच्छे हो चलिए यस 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 चलिए विद आउटलुक लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंपनी और कंपनी के बेसिक चल रहे हैं हमारे अभी भी लेवलिंग चल रही है उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा चैप्टर चैप्टन के ऊपर व्हेन यू नो ऑल ऑफ दीस तो हमने स्टार्ट किया था विद सर्टन बेसिक थिंग्स वॉडी मीन बाई इन कॉपोरेशन वॉडी मीन बाई डिशन बर्थ ऑफ अ कंपनी इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन डेथ ऑफ अ कंपनी इज नोन एज डिजोल्यूशन इनकॉर्पोरेशन की पावर रहती है आरोप के पास में डिजो्यूशन की पावर रहती है

जो लोग पैसा लगाते हैं वो सब होते हैं शेयर होल्डर्स और साथ में अब पैसा तो हमने लगा दिया पैसा तो हमने लगा दिया लेकिन यार हम लोग मैनेज नहीं कर सकते हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे कंपनी को तो हम लोग कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं टू मैनेज द कंपनी हम लोग कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं टू मैनेज द कंपनी फोकस वेरी केयरफुली हम लोग कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं टू मैनेज द कंपनी दो पीपल आर नोन एज डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स तो जो डे टू डे तो जो डे टू डे काम है कंपनी के सारे करेंगे कौन डायरेक्टर्स बिकॉज हमने उसी के लिए तो उनको अपॉइंट किया है और कुछ पावर्स हमने हमारे हाथ में रखी कि इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हम खुद लेंगे तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि इस के लिए, कौन कौन एक्ट के लिए यू जस्ट तो जो भी डे टू डे मदा के काम थे उन सब के लिए कंपनीज एक्ट में लिखा गया है बोर्ड रेजोल्यूशन लेकिन वहीं पे जो एकदम इंपॉर्टेंट से काम है उनके लिए गया लिखा है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन जो नॉन है कभी कभी होते हैं उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं उसमें लिखा गया है स्पेशल रेजोल्यूशन और जो कंपैरेटिवली लेसर मेजोरिटी के साथ में वो करवाना चाहते हैं उसके लिए है बट एंड में सैटरडे लेक्चर में हमारे कुछ खास रहेगा हमेशा तो आज एक स्टोरी जरूर सुनाऊंगा आखिरी के दो मिनट के अंदर बट मेरी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा एक व्यक्ति की स्टोरी सुनाऊंगा अभी पहले फोकस के विद्या जो सबसे बड़ा उद्देश्य आपका यहां आने का पहले उसे ले लो और फिर हम कुछ और बात करेंगे फोकस करना अच्छे से सो so, हम जब बात करते हैं कंपनी की तो कंपनी का मैनेजमेंट समझ में आ गया सर कि बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं कंपनी में लेकिन वो सब लोग कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते बिकॉज इतने ज्यादा लोग अगर मैनेज करने जाएंगे तो बिल्कुल कचरा हो जाएगा एंड हेंस एंड हेंस हम लोग फिर इवेंचुअली उस चीज को कवरअप करने के लिए अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को तो डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं चलो कस यस यस यहां तक तो सब लोग ठीक है अब मैं आता हूं यहां पर

लेमैन लैंग्वेज में बोलू एकदम नॉर्मल व्यक्ति की भाषा में बोलू तो सुनना ध्यान से प्रमोटर रेफर्स टू अ पर्सन हु कंसीव्स दी आइडिया ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से जिसके पास में सिम है

एक लेमैन के लिए कि प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जिसने उस बिजनेस के आइडिया को जनरेट किया हु कंसीव द आइडिया ऑफ द बिजनेस एंड टेक स्टेप्स टू ब्रिंग द आइडिया इन टू एक्सिस्टेंस फोकस करना बहुत अच्छे से फोकस करना बहुत अच्छे से ओके स्क्रीन ही दिख रही है आपको ओके 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 गिव गिवी मिनट आर वी गुड नाउ आर वी गुड नाउ? ओके। आर वी गुड नाउ आर वी गुड नाउ Yes, 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 yes. so, क्या कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिजनेस के आइडिया को लाया वो व्यक्ति को प्रमोटर मानते हैं हम लोग सही है कि एक व्यक्ति जिसका बिजनेस आइडिया था जैसे कि हम लोग बात करते हैं रिलायंस तो रिलायंस का प्रमोटर जो अगर हम कहते हैं तो उसमें हम धीरूभाई अंबानी साहब का नाम लेते हैं

ट इज ऑली मीन बाय प्रमोटर बट 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 सुनना इस डेफिनेशन को कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा जा सकता कंपनीज एक्ट में प्रमोटर की डेफिनेशन में यह नहीं लिखा जा सकता अ पर्सन हु कंसीव द आइडिया ऑफ द बिजनेस इज द प्रमोटर यह नहीं लिख सकते बिकॉज फिर तो कोई भी व्यक्ति उठ के आ जाएगा अरे ये तो मेरा बिजनेस आइडिया था तो समझेगा ध्यान से कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रमोटर की डेफिनेशन यह नहीं हो सकती है कंपनीज एक्ट में प्रमोटर की डेफिनेशन बड़ी क्लियर होती है कंपनीज एक्ट के अंदर प्रमोटर की डेफिनेशन बड़ी क्लियर तरीके से दी जाती है वो इतना वेग तरीके से देते नहीं है कंपनीज एक्ट गिव्स अ वेरी क्लियर डेफिनेशन ऑफ अ प्रमोटर प्रमोटर कंपनीज एक्ट गिव्स अ अ वेरी क्लियर डेफिनेशन ऑफ क्लियर ठीक है पढ़ेंगे हम सही टाइम पे पढ़ेंगे हम सही टाइम पे क्लियर तो कंपनीज एक्ट प्रमोटर की बहुत ही क्लियर डेफिनेशन देता है वो हम सही वक्त पे पढ़ेंगे अभी मैं एक आइडिया दे रहा हूं बस प्रमोटर को हम नॉर्मल लेमैन की भाषा में बोलते हैं तो प्रमोटर मतलब वो व्यक्ति जिसने बिजनेस आइडिया को कंसीव किया था ठीक है कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन बहुत ही पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो हम सही वक्त हर एक व्यक्ति को अगर कोई प्रमोटर बोलता हूं मतलब हाँ जिसका बिजनेस है जिसका बिजनेस है जिसका से वो प्रमोटर है आयियर सिंपल तो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन अभी शाम आगे पढ़ेंगे सही वक्त पे पढ़ेंगे अभी जल्दबाजी नहीं करनी है ठीक है क्योंकि अभी तक मैंने जैसे ही कहा है कि मैंने कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर वन भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है आई एम येट टू स्टार्ट सेक्शन नंबर वन आउट्स ऑफ कंपनीज एक्ट आपको सिर्फ एक नॉर्मल सब लोग बराबर आ जाए इसलिए हो सकता है ना कोई व्यक्ति जिसने कभी सुनाई नहीं है प्रमोटर क्या होता है तो उसको आज पता चला कि प्रमोटर मतलब एक ऐसे व्यक्ति प्रमोटर मंजे एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति ने बिजनेस आइडिया लाया है जिस व्यक्ति ने बिजनेस आइडिया लाया है चल ओके फोकस अब एक चीज सुना सेक्रेटरी सेक्रेटरी मतलब क्या आपके दिमाग में सेक्रेटरी का अगर कोई और मतलब है तो उसको आज के बाद हटा देना जब जब हम कंपनी लॉ में सेक्रेटरी वर्ड यूज करेंगे कहीं पे भी फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बैच अगले तीन महीने तक मैं आपके साथ जब तक हूं तब तक आप जब भी सेक्रेटरी वर्ड यूज करेंगे जब भी सेक्रेटरी वर्ड कहीं पे भी आ जाएगा इट मीन्स सेक्रेटरी मीन्स कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी

सुना मीटिंग जनरल मीटिंग जहां पे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है बोर्ड मीटिंग जहां पे डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है प्रमोटर जिस व्यक्ति का बिजनेस आइडिया होगा और सेक्रेटरी मींस कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी सब लोग मेरे साथ में हैं तो मैं बात करता हूं अरे इसको इग्नोर करो ये कौन आ गया ये कौन आ गया यहां पर अरे बेटा जी जाते क्यों नहीं चलो तो, यहां पर रहेंगे यस 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 पीपल फोकस मेरे साथ में है, तो फिर एक बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को पूरा दिमाग में उतार लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे आर यू ऑल विथ मी आर विथ मी गो जल्दी बोलो आर यू ऑल विथ मी सो दे गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड फोकस इमेजिन करते हैं आज एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं

वो मैं बाद में बताऊंगा मुझे बताओ इंडिया में अगर कर बिजनेस करना है तो बेस्ट बिजनेस पॉसिबल क्या है मुझे बताओ बिजनेस स्टार्ट करें मैं और आप मिलकर आज कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं मैं और आप मिलकर आज कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं मुझे बताओ किस बिजनेस की कंपनी करनी है क्या बिजनेस करना है क्या बेचेंगे हम लोग क्या बेचेंगे हम लोग सुबोध बेचना चाहते हैं पोहा चाय 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 सुनो मेरी बात को सुशांत ओके okay. खाने का चाय वड़ा पाव पेट्रोकेमिकल वैक्सीन ऑफ कोविड माय गुडनेस फूड वैक्सीन ऑफ कोविड चलो कथम डिजिटल बिजनेस ओके फोकस 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 वेरी केयरफुली टेक्सटाइल क्या बात है वैक्सीन ऑफ कोविड चलो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली पेट्रोल पंप क्या बात है यश मानी ना पेट्रोल पंप खोल देंगे बहुत बढ़िया साक्षी कह रही टी स्टॉल अरे बिल्कुल वैष्णवी सैनिटाइजर और मास्क बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम अपॉर्चुनिटी को सीज कर दो गारमेंट्स गायत्री बहुत ही बढ़िया समीर कह रहा है होटल खोलेंगे सचिन एजुकेशन में जाना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया सोमिया टेक्सटाइल बहुत 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 बढ़िया बहुत बढ़िया फोकस करो चलो इतना बड़ा बड़ा बिजनेस बोला मैं भी वैसे एक बड़ा बिजनेस लेगा मैं बिजनेस मैं एक प्रमोटर हूं मेरा बिजनेस आइडिया है फोकस करना आज की तारीख में बिजनेस यू नीड एन आउटस्टैंडिंग बिजनेस आइडिया फर्स्ट यू नीड यू नीड एन आउटस्टैंडिंग बिजनेस आइडिया फर्स्ट ओके सो देन वी वी हैव टू नीड नीड ये क्या कर रहे हैं आपको यार ये yes, आउटस्टैंडिंग yes, yes, so okay? so हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन सा आइडिया स्टार्ट uh, किया सोचा क्या करेंगे हम लोग सुनो ये हमारा भारत देश है सब लोग मेरे साथ में रहेंगे कंपनी का पूरा कंसेप्ट दिल में उतर जाना चाहिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग ये सब लोग दिमाग में उतर जाना चाहिए ठीक है चलो टू द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स से डाइग्राम बनाए ठीक है चलो ये हमारा भारत देश है फोकस बहुत आगे जाओगे साहिल प्लीज 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 आई वॉन्ट गुड पीपल हियर चलो ग ये हमारा भारत देश है और यहाँ पे हम कोई भी और देश बना लेते हैं ये यहाँ पे बना लेते हैं हम चलो यहाँ पे कोई भी एक दूसरी कंट्री ले लिया अपने ठीक है थेके? मेरा प्लान क्या है ये मैं यहां पर हूं मैं हूं शुभम सुखलेजा फोकस करना मेरे साथ में चलो अपन ने क्या सोचा है अपन ने क्या सोचा है ये अपन यहां पर है अपन यहां पे कंट्री एग्जाम्पल थाईलैंड ठीक है थाईलैंड प्लान क्या है फोकस करना अच्छे से फोकस करना अच्छे से फोकस करना मेरा बिजनेस आइडिया क्या है कि मैं क्या करूंगा आई एम नॉट मैन्युफैक्चर गारमेंट्स भगवान जाने ये मेरे ऊपर वाला है क्या कर रहे हैं चलो कदम आई नोट मैन्युफैक्चर गार्मेंट माय आइडिया माय बिजनेस आइडिया इज व्हाट आई एम टू डू इज आई एम गोइंग टू फोकस ए वेरी केयरफुलरफुल आई एम गोइंग टू माय बिजनेस आइडिया इज आई एम गोइंग टू इंपोर्ट गार्मेंट्स गार्मेंट्स क्लोथ फ्रॉम थाईलैंड थाईलैंड से अपन क्लोथ्स को इंपोर्ट करेंगे यहां पे इंपोर्ट हो गए क्लोथ्स उन सब क्लोथ्स पे अपन अपना ब्रांडिंग करेंगे ठीक है तो अपन अपनी कंपनी का नाम देते हैं बेस्ट क्लोथ्स बेस्ट क्लोथ्स लिमिटेड बेस्ट क्लोथ्स लिमिटेड बेस्ट क्लोथ्स लिमिटेड बीसी लिमिटेड तो बीसी लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है बेस्ट क्लोथ्स लिमिटेड हम गारमेंट्स इंडिया में ला रहे हैं उसके ऊपर अच्छे से अपनी ब्रांडिंग करेंगे बेस्ट क्लोथ्स लिमिटेड बेस्ट क्लोथ्स लिमिटेड बेस्ट क्लोथ्स लिमिटेड यहाँ पे हर जगह लगा देंगे बेस्ट क्लोथ्स लिमिटेड उसके बाद में इंडिया में अच्छे से एडवर्टीजमेंट करेंगे बेस्ट क्लोथ्स लिमिटेड जी वगैरह वगैरह मिंत्रा अमेजन सब जगह पर इनको लिस्ट करवा देंगे और उसको इंडिया में सेल करेंगे ठीक है ये जो मैं बोल रहा हूँ नया बिजनेस आइडिया नहीं है आप सब लोग जानते हैं बोस बोस स्पीकर जो ये आते हैं तो बोस स्पीकर्स एक्चुअली इंडिया के ही एक व्यक्ति का है मुंबई के व्यक्ति उन्होंने स्टार्ट किया था स्पीकर्स बट बोस स्पीकर्स प्रैक्टिकली क्या करते हैं दे इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम चाइना

एक्सपेक्टेड कैपिटल है टेन करोड़। इस बिजनेस के लिए एक्सपेक्टेड कैपिटल है टेन करोड़। मैं हूं शुभम सुखलेचा मेरा आइडिया है ये, मैंने कहा ठीक है यार सुनो ना दो करोड़ रुपए तो मैं मेरे लगा दूंगा

पब्लिक इशू कर रहे हैं हम लोग आठ करोड़ का आठ करोड़ का पब्लिक इश्यू कैसा हो रहा है सुनना सुननाट लाख शेयर्स ऑफ हंड्रेड रुपीज इच आठ करोड़ रुपए हमें चाहिए थे कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज मुझे आज आठ करोड़ रुपए चाहिए फोकस करना बहुत अच्छे से आठ करोड़ रुपए चाहिए मैं शुरू इशू कर रहा हूं एट लैक्स शेयर्स ऑफ हंड्रेड रुपीस इच आई एम issuing एट लैक शेयर ऑफ हंड्रेड रुपीस इच फोकस करना ठीक है ठीक है अब सबसे मैंने कहा कि चलो ठीक है शेयर्स इश्यू करने उसके पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अभी तक तो उसे बिजनेस आइडिया है मैं गया आर के पास हे आर ओसी मैं ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं ठीक है आर ने कहा ठीक है कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी उन्होंने नाम इज बेस्ट क्लोथ्स लिमिटेड तब ने कुछ डिमांड भी रखी कि आप इसको पब्लिक कंपनी बना रहे हो मैंने कहा पब्लिक कंपनी बोले कम से कम सात लोग चाहिए तो मैंने फिर सात लोगों के नाम दे दिए कि सात लोग मेंबर्स बनने को रेडी ये सब हो चुका है फोकस करना फॉर्मेलिटीज नहीं जा फॉर्मैलिटी टॉपिक पर जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग शेयर होल्डर डायरेक्टर प्रमोटर एंड कंपनी सेक्रेटरी फोकस करना अच्छे से ठीक है पब्लिक इशू किया आप सब लोग यहां पे जो लोग हैं ना आप सब लोग के सामने मैं मेरा प्रोस्पेक्ट लेके अरे सुनो मेरी बात गायत्री अखिल अब्बास जूही अखिल प्रफुल साहिल ए के प्रफुल आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो आई एम कमिंग ऑन टू एम रीचिंग ऑन टू यू विद विदोपेक्ट ऑफ माई कंपनी दैट प्लीज बाय शेयर ऑफ माई कई बिजनेस आइडिया टू इम्पोर्ट गारमेंट्स इन इंडिया एंड इवेंचुअली टू सेल क्लोथ्स इन इंडिया से बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाला है बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाला है सिर्फ आठ लाख शेयर है सिर्फ आठ लाख शेयर है और एक शेयर है सौ रुपए का मुझे बताओ आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो फोकस करना बहुत अच्छे से इस तरह से एक व्यक्ति पब्लिक को बोलेगा कि हे hey, पब्लिक आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो अब पब्लिक अप्लाई करेगी आप लोग मुझे रैंडमली बताओ कि आप में से कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति कितने शेयर्स खरीदना चाहता है जल्दी बोलते रहो रैंडमली जो अच्छा रहा है मन में वो बोलो कि कितने शेयर्स खरीदना चाहते हो एक शेयर सौ रुपए का एक शेयर सौ रुपए का है आप कितने शेयर्स खरीदना चाहते हो बोलो 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 चलो यस पीपल कितने शेयर्स खरीदना चाहते हो कितने शेयर्स खरीदना चाहते हो रैंडमली बोलते रहो कि सर मैं इतने लेना चाहता हूं लेना चाहता हूं एग्जाम्पल आगे बढ़ता रहेगा यस पीपल चल सुबोध सौ शेयर्स लेना चाहते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड सुबोध हंड्रेड अरे रुको 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 सारे शेयर ले क्या रुको 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 सुबोध सौ शेयर लेना चाहते हैं अब्बास बीस हजार शेयर लेना चाहता है अब्बास बीस हजार शेयर लेना चाहता है यशदा 17 शेयर लेना चाहते हैं यशदा ट्वेंटी लिख हूं तो यार क्यों कैलकुलेशन मुश्किल कर रहे हो मेरे लिए जो ही हंड्रेड शेयर लेना चाहते हैं अभी तक मैं सिक्योरिटीज लॉगर पर आए कम अभी हम सिंपल एकदम बेसिक पढ़ाना चाह रहा हूं मैं कुछ आपको सुशांत खरीदना चाहते हैं टेन थाउजेंड शेयर्स और इसी तरह से इसी तरह से सब लोग ऐशो लेना चाहते हैं टेन शेयर्स एशो लेना चाहते हैं टेन शेयर्स ऐसे और भी बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दिया फोकस करना अच्छे से ऐसे बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दिया है और ऐसे हमारे पास सब आ गए और अदर्स अदर्स लेना चाहते हैं रिमेनिंग शेयर्स ऐसे हमारे पास सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया सारे शेयर्स को हमने अलॉटमेंट कर दिया सारे शेयर्स का हमने अलॉटमेंट कर दिया सुना ध्यान से अब अगर हम देखते हैं कि हमारा शेयर होल्डिंग कैसा है तो सुबोध के पास 100 शेयर हैं, अब्बास के पास 20,000 शेयर्स हैं, यशदा के पास 20 शेयर्स हैं, जूही के पास 100 शेयर्स हैं, सुशांत के पास 10,000 शेयर्स शेयर्स हैं, के पास 10 हैं, ऐसी पूरी लिस्ट है हमारे पास उसी बीच आता है एक शुभम शुक्लेचा इसके पास भी तो है दो लाख शेयर्स मैंने मेरे खुद के पास भी दो लाख शेयर रखे फोकस करना अच्छे से मेरे पास खुद के पास भी दो लाख शेयर है

इस तरह से हमारे सारे शेयर पूरे दस करोड़ की कैपिटल इकट्ठी हो चुकी है टेन लाख शेयर को किए हैं टू लैख शेयर ने खुद के पास रखें टू लाख शेयर शुभम सुक्लेचा ने खुद के पास रखें यह कंपनी का हो गया शेयर कैपिटल फोकस करना अब मैं अगर यहां पर कंपनी की बैलेंस शीट बनाता हूं टी फॉर्मेट में बनाता हूं यह कंपनी की बैलेंस शीट बना रहा हूं रुक जाओ पेन थोड़ा रीजनेबल साइज का आ जाओ साइज नहीं समझते बैलेंस शीट बता रहा हूं फोकस करना अच्छे से कैपिटल आ चुकी है टेन करोड़ और यहां पे बैंक में पैसा भी तो आ चुका है टेन करोड़ मैंने खुद ने भी पैसे दिए हम सब ने पैसे देकर कंपनी स्टार्ट कर लिया है तो नाउ कैपिटल इज टेन करोड़ एंड बैंक के बैलेंस इज ऑल्सो टेन करोड़ ठीक है ये सब आ चुके हैं अब सब शेयर होल्डर बन चुके हैं सुनना मेरी बात को अब हम लोग क्या कंपनी को मैनेज कर लेंगे क्या हम लोग क्या कंपनी को मैनेज कर लेंगे क्या? हम सब लोग मिलकर हम सब लोग मिलकर कंपनी को मैनेज कर सकते हैं क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमें को कर अच्छे से था, क्या करें हैं? हम लोग कंपनी चला लेंगे क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जल्दी बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा ना समझना वैसे प्रैक्टिकली सुनना 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 ये जब पूरा शेयर्स इशू किया जाता है ना उसके पहले ये पूरे शेयर्स इशू करने के पहले ही ये जो शुभम है ना ये अपॉइंट कर लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये अपॉइंट कर लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकिन एक बार जब सब शेयर होल्डर्स आ चुके हैं हम अभी कंसेंचुअली जाते हैं जब कंपनी जब पड़ेंगे तब ठीक है एक बार सिर्फ आइडिया लेने के लिए मान लेते हैं कि यह सारे शेयर होल्डर्स आए हैं और इन सब शेयर होल्डर्स ने मिलकर ये सब शेयर होल्डर्स मिलकर नाउ दे आर अपॉइंटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुनना यह सब शेड मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं सुना मेरी बात को अच्छे से मैं शुभम सुख लेनो सुनो 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 आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू बी वन अमंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैं भी इस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूं मैं कहता हूं कि देखो साहब मैं भी मैं भी इस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूं मैं शुभम सुख ले मैं बनना चाहता हूं इस का डायरेक्टर ओके ओके अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड डायरेक्टर आप ऐसे नहीं बन सकते डायरेक्टर बनने के लिए सब शेयर होल्डर्स ने वोट करना होगा अगर आपके फेवर में वोट आते हैं तो आप डायरेक्टर बन सकते हैं मैंने कहा मैं और मैं बनना चाहता हूं इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं ऐसे आके खड़ा हो गया टू वोट और अगर मेजोरिटी वोट मेरे फेवर में आई तो मैं डायरेक्टर बनेगा Are you मैं गया स्टेज पे खड़ा हो गया सारे जनरल मीटिंग चल रही है मेजोरिटी ने क्या हाँ वी वॉन्ट टू अपॉइंट शुभम शुक्ले शुभम शुक्लेचर डायरेक्टर बन गया बीओडी में सबसे पहले बन गया शुभम शुक्ले डायरेक्टर बन गया ठीक है और फिर हम चार पांच और लोगों की बात की मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी मिस्टर डी इस तरह से ए बी सी और डी इनको भी अपॉइंट कर दिया एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सभी डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो चुके हैं जब आप कंपनी इंटरनल टाइप्स होते हैं कौन सा कैसा डायरेक्टर तो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब हम पांच लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अब कंपनी का डेली डेली डे टू डे डे टू डे बेसिस काम करने की जिम्मेदारी किसकी है लगाया है पैसा हम पांचों के बहुत अच्छे से काम करेंगे हम पांचों अगर बहुत अच्छे से काम करेंगे फोकस करना अच्छे से हम पांचों अगर बहुत अच्छे से काम करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ होगा तो शेयर होल्डर्स खुश होंगे और अगर हम अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं अगर हम अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं फोकस करना अच्छे से अगर हम अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो फिर शेयर होल्डर्स हमें निकाल भी सकते हैं शेयर होल्डर्स हमें निकाल भी सकते हैं अब मेरा आपको एक सवाल है सुनना ध्यान से चलो ये देखिए ये हो गया फिर हमको एक सीएसबी अपॉइंट करना था तो वी हैव आल्सो अपॉइंटेड मिस्टर

शेयर ऑफ दंपनी शेयर होल्डर ऑफ एम आई डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कंपनीस्टैंड ओके सर ऐसा होता है क्या मतलब एक व्यक्ति इसने स्टार्ट किया वो खुद शेयर होल्डर भी बनता है और वो खुद डायरेक्टर भी बन जाता है वो खुद डायरेक्टर भी, भी बन जाता है आप बात करो फॉर एग्जाम्पल धीभा अंबानी साहब के बाद मुकेश अंबानी साहब आए मुकेश अंबानी साहब आज की तारीख में कंपनी के सब्सटैंशियल शेयर होल्डर भी हैं और कंपनी के डायरेक्टर भी हैं कंपनी के डायरेक्टर भी हैं फोकस करना बहुत अच्छे से मेरी बात को बहुत अच्छे से देखना मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना अगर समझे ना तो मेरा जो टेक टेकअवे ना वो आपके दिल में उतरेगा जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है एक कंपनी बॉर्न होती है कंपनी का बर्थ होता है ऑन द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट द टाइम ऑफ ओके फोकस करना बहुत अच्छे से दिस इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन ऑफकोर्सिफिशियल इंकॉर्पोरेटेड इंकॉर्पोटेड उसकी है. फोकस करना बहुत अच्छे से फोकस करना बट इसको चलाने के लिए

कंपनी दिख रही है हमको इस कंपनी को चलाता कौन है कौन चला रहा है कंपनी को Decisions कौन ले रहा है कंपनी कंपनी के इस को चला कौन रहा है जुवी एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं हैं एकदम परफेक्ट 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 बोल रहे निखिल समीर एक नेचुरल पर्सन है ये नेचुरल पर्सन है तो ये आर्टिफिशियल पर्सन भाई साहब हमने इसको लीगल एंटिटी दे दी है लेकिन ये खुद से कोई एक्शन थोड़ी ना कर सकता उसको चलाने के लिए कोई तो नेचुरल पर्सन चाहिए ना सत्यम सत्यम ये चोर लोग थे जो कंपनी थी उसको चलाया तो अपने राजू ने ना चोर ने तो ये सत्यम जो थी ना सत्यम थी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन बट चलाने वाला तो नेचुरल पर्सन था सत्यम बली एक आर्टिफिशियल पर्सन थी बट चलाने वाला तो नेचुरल पर्सन था फोकस करना अच्छे से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी खुद के हिसाब से चलाते हैं या वो भी किसी और के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तो किसी के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी इच्छा थोड़ी करते सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तो किसी के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं बीओडी किसके डायरेक्शन पे काम करते हैं बीओडी किसके डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं यस पीपल टेल मी फास्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं ना उनके पीछे कौन है शेयर होल्डर्स बिकॉज द डे पैसा तो उनका लगा था यहां आ गए हमारे शेयर होल्डर्स सब लोग मेरे साथ में रहेंगे बहुत अच्छा पॉइंट अभी आने वाला है शेयर होल्डर्स सुनना सो एट द डे एक जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो दो लोगों की बात सुनती है या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या फिर शेयर होल्डर्स की क्या मैं सही हूं कि नहीं

सही है तो पूरे कंपनीज़ एक्ट में जब मैंने आपको पढ़ाया ना डिसीजन मेकिंग तो डिसीजन मेकिंग पढ़ा कि कोई भी चीज करने के लिए या तो बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए या ऑर्डर रेजोल्यूशन चाहिए या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए मतलब कंपनी में डिसीजन लेने की पावर या तो डायरेक्टर्स के पास है या फिर शेयर होल्डर्स के पास है सही है डिसीजन लेने की पावर या तो डायरेक्टर्स के पास है या फिर शेयर होल्डर्स के पास है डिसीजन लेने की पावर या तो डायरेक्टर्स के पास है या फिर शेर होल्डर्स के पास है। सही बात है सही बात है ना क्वेश्चन इस व्यक्ति का क्या इस व्यक्ति का क्या एक्चुअली इस कंपनी के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो प्रमोटर का है ना इस कंपनी के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो प्रमोटर का है ना सही बात है सबसे बड़ा हाथ तो प्रमोटर का है कंपनी के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो प्रमोटर का है लेकिन पूरे डिसीजन मेकिंग में पूरे कंपनीज़ एक्ट में हम पूरा कंपनीज़ एक्ट भी पढ़ लेंगे एक भी जगह पे ऐसा नहीं लिखा है दैट दिस पावर इज विद प्रमोटर एक भी जगह पे

इसी कारण से इसी कारण से कंपनी कभी किसी की नहीं होती है सुनना मेरी बात को ध्यान से रिलायंस इंडस्ट्रीज अंबानी नहीं है आज सुनना ध्यान से रिलायंस इंडस्ट्रीज पे अंबानी का कंट्रोल सिर्फ इसलिए है फोकस करना फोकस करना सही नहीं बहुत सही पॉइंट घर लेकर आए बहुत सही पॉइंट घर लेकर आए प्रमोटर को पता है एज प्रमोटर एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी ही हैज गॉट नो पावर्स दैट इज वाई अ प्रमोटर ऑलवेज ensures. दैट इज वाई अ प्रमोटर ऑलवेज ensures दैट ही कीप्स सर्टन शेयर विथ हिम ओनली आप सुना मेरी बात को ध्यान से एक कंपनी में भले आपने कंपनी को स्टार्ट किया होगा भले आपका आइडिया होगा फर्क नहीं पड़ता कंपनी किसको पहचानती है एक कंपनी एस ए कंपनी सेपरेटली वो अंधी प्रमोटर के लिए वो सिर्फ दो लोगों को पहचानती है ये मेरे डायरेक्टर्स ये मेरे शेयर होल्डर्स बस आर यू अंडरस्टैंडिंग आर यू अंडरस्टैंडिंग सो so, एक कंपनी के आउटलुक से कंपनी को प्रमोटर से कोई मतलब ही नहीं है कंपनी सिर्फ दो लोगों को पहचानती है अपने डायरेक्टर्स को और अपने शेयर होल्डर्स को आर यू अंडरस्टैंडिंग नेहा कह रहे हैं सर रोल ऑफ प्रमोटर इन कंपनी बता दीजिए एंड टेल मी दी पावर्स ऑफ कंपनी वो तो आगे आएगा पावर्स नेहा लेकिन रोल ऑफ प्रमोटर तो रोल ऑफ प्रमोटर समझो प्रमोटर का रोल क्या है उसने पूरा कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया ये पूरा रोल है प्रमोटर का लेकिन हम अगर बात करते हैं पावर ऑफ प्रमोटर प्रमोटर के पास कोई पावर नहीं है कंपनी के कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रमोटर बिकॉज वो प्रमोटर वो इंटरफेयर नहीं कर सकता एंड एंड दैट 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 इज 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 द रीजन प्रमोटर प्रमोटर ईच एवरी इन इंडिया ऑलवेज ही शेयर होल्डर अगर वो प्रमोटर ने अपने हाथ में सब्सटेंशियल शेयर्स नहीं रखे बहुत सारे शेयर्स नहीं रखे तो किसी भी दिन कंपनी से उसको निकाला जा सकता है फोकस करना अच्छे से अब समझना ध्यान से मान लेते हैं मुकेश अंबानी साहब तो मुकेश अंबानी साहब ने क्या कर रखा है रिलायंस के रिलायंस की बहुत सारे शेयर्स भी अपने हाथ में रख रखे हैं और खुद को रिलायंस का डायरेक्टर भी बना रखा है मुकेश अंबानी साहब ने खुद को रिलायंस का शेयर होल्डर भी बना रखा है एंड खुद को रिलायंस का डायरेक्टर भी बना रखा है कुछ केस हुआ था कुछ केस हुआ था में टाटा मिस्त्री टाटाज और साइरस मिस्त्री वाले का टाटाज एंड साइरस मिस्त्री का मेरी बात को बहुत केयरफुली समझना आप सिर्फ कंपनी का कैसे ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ना जो लिखा है पावर क्या है ड्यूटीज क्या है तो मजा नहीं आएगा जस्ट आई अंडरस्टैंड कंपनी इन डेप्थ फोकस करो साइरस मिस्त्री का केस सुनाया आपने साइरस मिस्त्री का केस सुनाया क्या सुनाए 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 सुना कुछ लोगों ने सुना है यस yes, सर चलो एक काम करते हैं थोड़ा सा उस बारे में समझो ये कंसेप्ट आपको एक्चुअली दिल में उतर जाएगा कंसेप्ट एक्चुअली दिल में उतर जाएगा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में कि भाई सबसे प्रमोटर करता है कि प्रमोटर का क्या रोल है कोई रोल नहीं है प्रमोटर को गिनते प्रमोटर ही नहीं कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रमोटर के पास कोई ताकत नहीं है कोई ताकत नहीं है चलो कुछ लोगों ने नहीं सुना कुछ लोगों ने सुना है हम बात करते हैं टाटा और साइरस मिस्त्री के, के केस के बारे में फोकस करना यहां पर सब लोग हे गूगल देवता हे गूगल देवता हमें बताओ टाटा एंड मिस्त्री के बारे में फोकस करना है आप ध्यान से ये अगर आपने समझ लिया ना तो बहुत अच्छा रहेगा जू का पूछना है प्रमोटर कैन बी डायरेक्टर मुकेश मुकेशी साहब मुकेश अंबानी साहब प्रमोटर भी हैं डायरेक्टर yes, भी हैं है। अब आप सोच रहे हो सर प्रमोटर तो धीरू भाई अंबानी साहब थे प्रमोटर एस पर कंपनी सेक्टर में पढ़ना बाकी है प्रमोटर कोई और भी बन सकता है तो पहले मान लीजिए कंपनी भली धीरू भाई अंबानी साहब ने शुरू की थी उसके बाद कंपनी मुकेश अंबानी साहब बना रहे तो कंपनी के प्रोस्पेक्टर्स में प्रमोटर के नाम पर मुकेश अंबानी लिखा जाता है ठीक है तो हम पढ़ेंगे आगे फोकस करो भी टाटा और मिस्त्री के इस केस को समझते हैं टाटा मिस्त्री द बिगिनिंग ऑफ फोकस करना ओके लोड होने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप रुको पहले मिस्त्री साहब के मैं आपको थोड़ा विकीपीडिया पे पढ़ा देता हूं सैरस मिस्त्री फोकस मिस्त्री ठीक है इज अ बिजनेस ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड आयरिश सिटीजनशिप ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप एंड इंडियन बिजनेस बिजनेसमोरेट तो ही अ चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप तो टाटा ग्रुप का चेयरमैन था सैरस मिस्त्री एंड इंडियन बिजनेस बिजनेसोमरेट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है एक ऐसा बिजनेस जो कि बहुत अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैंडल करता है जिसकी टाटाज हैं तो टाटाज इंडिया में बहुत टाटा मोटर्स टाटा स्टील टाटा टी ऐसे करके टाटा के बहुत सारे बिजनेस है बहुत सारे होटल्स राइट right? तो फोकस करना अच्छे से फोकस करना अच्छे से

Voted to remove mystery from the post of chairman after offering him an opportunity to resign voluntarily. Former chairman Ratan Tata then returned as an interim chairman, and so and so person was named as the new chairman a few months later. However, in December, the National Council Appellate Tribunal declared the appointment of this person as executive chairman illegal and restored mystery. However, the Supreme Court

साइरस मिस्त्री के पास कितने शेयर्स हैं 18.4% शेयर्स हैं साइरस मिस्त्री के पास कितने शेयर्स हैं 18.4% शेयर्स हैं फोकस करना मेरी बात अच्छे से और साइरस मिस्त्री को वहां से निकाल दिया गया चेयरमैनशिप से और सर ये क्या बात हुई साइरस मिस्त्री को कैसे चेयरमैनशिप से निकाला जा सकता है अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली एक कंपनी के अंदर यहां पर रहेंगे एक कंपनी के अंदर ये सारे डिसीजन ये सारे डिसीजन जो लिए जाते हैं ये सारे डिसीजन लिए जाएंगे बाय शेयर होल्डर्स साइरस मिस्त्री साहब के पास कितने शेयर थे सिर्फ मात्र केवल एटीन परसेंट एटीन परसेंट तो अगर बाकी शेयर होल्डर्स मिलकर चाहें बाकी शेयर होल्डर्स मिलकर चाहें तो वो साइरस मिस्त्री को निकाल सकते हैं आर बी अंडरस्टैंडिंग रुकना मेरी बात को साइरस में खत्म नहीं होता है मैं आपको बस एक पॉइंट घर लाने की कोशिश करूं फिर हम साइरस में स्त्री के अंदर और जाएंगे एक जो पॉइंट मैं घर लाने की कोशिश कर रहा हूँ एज के आप कंपनी में अगर कोई भी ताकत रखना चाहते हैं तो कंपनी की पूरी पावर एक सेट ऑफ लोगों के पास है कंपनी में जो सबसे पावरफुल है वो सिर्फ ये लोग हैं कौन लोग हैं पूरा जो पावर सोर्स है कंपनी का वो यहां पर है शेयर होल्डर्स कंपनी का पूरा पावर सोर्स होता है शेयर होल्डर्स सारे डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं सारे डायरेक्टर्स को भी शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर जिस व्यक्ति को चाहे उसको निकाल सकते हैं तो कंपनी के अंदर प्रमोटर कोई फायदा नहीं है प्रमोटर अगर आपको कंपनी अपनी ताकत बनाए रखनी है तो कंपनी में बहुत सारे शेयर आप होल्ड करके रखो बहुत सारे शेयर आप होल्ड करके रखो मेरे साथ में रहना यहां आप मेरे साथ में रहना अभी कोई लेगा नहीं कोई लेगा नहीं एक और चीज देखते हैं हम लोग मुकेश अंबानी साहब आपके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं फोकस करो अच्छे से क्या पर्सनल लाइफ लोगों को इतना कितना इंटरेस्ट है इसकी पर्सनल लाइफ में नहीं, नहीं नहीं जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहां पे नहीं मिल रही है यस yes, मिल गये, मिल गई गई कोई बात नहीं पहली लाइन है वो मुकेश धीरुभा अंबानी एंड इंडियन बिलियनर बिजनेस मैग्नेट एंड द चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज आर वी अंडरस्टैंडिंग आर वी अंडरस्टैंड क्या आपके हर एक क्वेरी का मैं आंसर दूंगा मुझे बस दो मिनट दो पहले जो मुझे पॉइंट घर पे लाना है वो पॉइंट पॉइंट लाने दो मुझको द इज इज टू ब्रिंग होम सुनना मेरी बात को ध्यान से मुकेश अंबानी कौन है मुकेश अंबानी रिलायंस का चेयरमैन है मैनेजिंग डायरेक्टर है सर चेयरमैन क्या होता है ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जाओ चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है और साथ में कौन है लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो मुकेश अंबानी साहब ने ये नहीं किया कि मैं सिर्फ डायरेक्टर बन जाता हूं नहीं या फिर सिर्फ शेयर होल्डर बनना चाहता हूं वो एक शेयर होल्डर बने सबसे बहुत सारा सबसे ज्यादा शेयर रिलायंस के उन्हीं के पास है सबसे ज्यादा शेयर के पास है और उन्होंने खुद को इस डायरेक्टर भी बनाया उनके पास इतने शेयर है उनके पास इतने शेयर हैं कि उनको कभी डायरेक्टरशिप से निकाल ही नहीं सकते सुना मेरी बात को ध्यान से उनको डायरेक्टरशिप से निकाल ही नहीं पाओगे बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज उनके पास इतने सारे शेयर हैं कल को हां अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं कि मुकेश अंबानी साहब ने शेयर्स बेच दिए मुकेश अंबानी साहब को पैसों की जरूरत उन्होंने शेयर्स बेच दिए और उनके पास में अब होल्डिंग कम है कुछ पंद्रह सत्रह अठारह परसेंट ही है तो बाकी शेयर होल्डर्स चाहे तो मिलके उनको निकाल पाएंगे मिलके उनको निकाल पाएंगे वट इज द क्रक्स ऑफ ऑल ऑफ माई डिस्कशन ये साइरस मिस्त्री की बात करता हूं मैं मुकेश अंबानी की बात करता हूं यह सब बात करके मुझे मतलब क्या है मुझे मतलब इतना सा है कि मैं आपको यह समझा पाऊं कि एक कंपनी के अंदर एक कंपनी के अंदर प्रमोटर को तो कोई गिनता ही नहीं है प्रमोटर कौन है कंपनी का किसी को फर्क नहीं पड़ता है ठीक है डायरेक्टर्स जो हैं साइरस मिस्त्री जैसा व्यक्ति भी निकाला जा सकता है साइरस मिस्त्री जैसा व्यक्ति भी निकाला जा सकता है तो कहने का मतलब ताकत नहीं है सिर्फ मात्र केवल कठपुतली है पूरे कंपनी के अंदर द पावर हाउस द एंड ऑफ द डे कंपनी में होगा वो जो शेयर होल्डर चाहते हैं। अरे भले हम कहेंगे पूरा डिसीजन मेकिंग डायरेक्टर के पास है। अरे बट डायरेक्टर ने कोई भी ऐसा डिसीजन मेकिंग किया पसंद नहीं है तो शेयर होल्डर इमीडिएटली क्या कर सकते हैं उसको कोक आर यू अंडरस्टैंडिंग इमीडिएटली शेयर उसको किक ऑफ करके निकाल सकते सो so, हम कहीं पे भी पढ़ेंगे आप पढ़ोगे कि डायरेक्टर्स ये कर रहे हैं डायरेक्टर्स वो कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्टर्स के पास कोई ताकत नहीं है एट दी एंड चलती है सिर्फ मात्र केवल शेयर होल्डर्स की तो शेयर होल्डर्स जो है पावर हाउस दे आर दी पावर हाउस बात समझ में आ रही क्या प्रमोटर को तो कोई ताकत ही नहीं दी हुई प्रमोटर हैज गॉट नो रोल टू प्ले पूरे कंपनीज एक्ट में एक भी पावर प्रमोटर के पास नहीं प्रमोटर तो हमारे माइंडसेट हमारे क्या बैक ऑफ माइंड का प्रमोटर बहुत ताकतवर होगा पावर्स करूंगा ना, तो मुझे बहुत सारे शेयर अपने पास अभी से रख लेने जैसे कि शुभम सुचा ने बेस्ट क्लोथ लिमिटेड स्टार्ट किया तो उसमें ट्वेंटी परसेंट शेयर अपने बच्चे सब लोग मिल गए आपको लाख देकर निकाल सकते हैं तो आप ज्यादा शेयर अपने पास रख फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट अगर फिफ्टी तो तो शेयर नहीं है तो बाकी सब लोग भी एक तरफ हो गए तो फोर्टी नाइन परसेंट ही होंगे ना। और आप dominating होंगे आप dominating होंगे फिफ्टी परसेंट शेयर है तो कोई ताकत नहीं किसी की कोई आपको हिला सकता सो so, एक कंपनी के अंदर पूरा पावर हाउस क्या है शेयर होल्डर द पॉइंट ये प्रमोटर मोटर कोई फर्क नहीं पड़ता है हम पढ़ेंगे एक की बस, बाकी पूरे में कुछ काम नहीं आएगा प्रमोटर कंपनीज एक्ट की हर एक बारी होल्डर अगर आप शेयर होल्डर है तो आपके पास पूरी टू ब्रिंग होम द पॉइंट एम आई एबल टू ब्रिंग होम द पॉइंट क्लियर है हम लोग तो पूरी कंपनी का पावर हाउस शेयर होल्डर यह दिमाग में क्लियर होना चाहिए दिमाग में क्लियर होना चाहिए ठीक है यशदा बात करेंगे उस बारे में इट्स टू सून टू डिस्कस दैट कि अंबानी के पास एक्सैक्टली exactly कितने शेयर्स हैं तो अंबानी पास कितने शेयर्स हैं अंबानी डायरेक्टर्स के अंदर कौन कौन है अंबानी मतलब मुकेश अंबानी नीता अंबानी इन्होंने डायरेक्टरशिप के अंदर है और कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं तो ये सब चीज हम देखेंगे बट सही 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 से आगे बढ़ते बढ़ते नेहा बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं सर इफ यू हैव 51 वन परसेंट शेयर इन बेस्ट क्लोथिंग लिमिटेड दैन नोन हैज पावर टू किक मी किस फिफ्टी वन परसेंट शेयर्स है तो सब मिलके भी मुझे नहीं निकाल पाएंगे भाई बिल्कुल बिल्कुल ये एक बारीक सा पॉइंट था कि पावर हाउस इज होल्डर भले कोई कुछ भी बोले शेयर होल्डर का पावर है हाँ, पावर दिए हुए हमने लेकिन वो हमारी कठपुतलियां भाई जो शेयर होल्डर बोलेंगे डायरेक्टर वैसे ही काम करेंगे आर आर यू यू ऑल ऑल मी मी चीज पूछ रहे सर वाई साइरस मिस्त्री वॉज बींग रिमूव तो मैं चाहूंगा कि आज आज का होमवर्क मैं जब आपको दूंगा तो उसके अंदर आपको आज पढ़ना है कि साइरस मिस्त्री क्यों रिमूव हुआ था वोट यू नीड टू डू मंडे को मैं डिस्कस करेगा आपके साथ में आपको आज खुद से पढ़ना है मतलब आप समझो स्पून फीडिंग एक हद तक बेस्ट है तो मैं मेरे एंड से पूरा करेगा सब्जेक्ट नॉलेज मेरी जिम्मेदारी है लेकिन उसके आगे जो रिसर्च करना है वो आपको पहले कोशिश करनी है उसके बाद आपके साथ में आएगा तो आज मैं आपको तीन होमवर्क देने वाला हूं बहुत भारी उसमें से दो होमवर्क अभी बता रहा हूं होमवर्क क्या आपके आज के सुनना होमवर्क नंबर वन एस साइरस मिस्त्री को निकाला क्यों था स्त्री रिमूव हुआ था तो दिन वाई वॉज ही रिमूव सेकेंड अंबानी होल्डिंग इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कि आर आई एल में अंबानी की कितनी होल्डिंग है ये दो चीजें आपको पता करके आना है मंडे को इन दोनों का मैं आपको आंसर देगा बट आपको ये दोनों चीजें आपको ये दोनों चीजें पता करके आनी है अभी क्लियर और ये मत सोचना कि सर हाउ इज दिस मैं आपको अभी भी बता रहा हूं अगर आपको एक्चुअल कंपनी का फंक्शनिंग समझ गया ना तो फिर आपके लिए company पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा अभी आप लोगों ने किसी भी कंपनी को इंटरनली देखा ही नहीं है आपको पता ही नहीं कि कंपनी इंटरनली कैसे काम करती है तो आप अगर दो तीन कंपनीज को भी क्लोजली वॉच करके इंटरनली समझ जाओगे ना तो देन आपके लिए कंपनी एक्ट पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा अरे हाँ, हाँ हाँ ऐसा ऐसा, ऐसा होता है ठीक है तो साइरस मिस्त्री वाई वॉज ई रिमुव एंड देन अंबानी होल्डिंग रिलायंस में कितनी है ये दो होमवर्क है तीसरा जो है

मान लेते हैं हम लोग कि यस द कंपनी इज बीन इनकॉर्पोरेटेड फोकस वेरी केयरफुली सो द कंपनीज एंड एवरीथिंग इज बीन इनकॉर्पोरेटेड तो कंपनी लॉ कंपनी लॉ बना दिया गया है कि, कि किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो वो अपने आरओसी के पास जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है आरओसी स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फोकस वेरी केयरफुली हुआ कैसे ये भी ये कैसे बना मान लेते हैं ऑल ओवर इंडिया हमने एक ही ऑफिस खोला है ऑल ओवर इंडिया एक ऑफिस खोल लिया कि इंडिया में अगर किसी को भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो यहां पर आके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है ठीक है तो क्या इंडिया के हर एक कोने से लोग वहां पर आके कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे क्या इट विल बी सो इलॉजिकल हर एक व्यक्ति को बहुत दूर दूर से आना पड़ेगा कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया सुनना सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमारी मिनिस्ट्री है एमसीए एमसीए स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती है उसमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट

हम इंडिया को जोन में डिवाइड कर देते हैं ताकि हर एक को रिस्पेक्टिव उनका आरोसी दे देंगे कि उनका काम वहां पर हो जाएगा मेरी बात को बहुत केयरफुली सुनना तो एमसीए ने इंडिया में बहुत सारे आरोसी बनाए तो आप ऐसे समझो कि उन्होंने राजस्थान में एक आर दे दिया कलर चेंज कर लेता हूं ब्लैक नहीं रखता उन्होंने राजस्थान में एक आर दे दिया उन्होंने गुजरात में एक आर दे दिया उन्होंने कर्नाटका में आरोसी दे दिया इस तरह से उन्होंने तमिलनाडु में आरोसी देना था तो सुनो उनको इस तरह से आरोसी दिया

फॉर एग्जाम्पल हमने राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर आरोपी अपॉइंट कर दिया कि जयपुर का ये पूरे राजस्थान की को रेगुलेट करेगा ठीक है उसी तरह से हमने फॉर एग्जाम्पल गुजरात में भी गांधीनगर अहमदाबाद यहां पे कहीं पे एक आरोसी अपॉइंट कर दिया कि ये पूरे गुजरात की कंपनीज को रेगुलेट करेगा अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सुनना देर सर्टेन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र यार महाराष्ट्र कहने को तो एक स्टेट है लेकिन महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट ग्रोथ बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ मुंबई मुंबई इज द द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कंट्री मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है है तो तो यहां पे बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट ग्रोथ होती तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक आरओसी से काम नहीं चलेगा यहां पर हमें दो आर देने होंगे तो उन्होंने एक दिया फॉर एग्जाम्पल मुंबई आर और एक दिया उन्होंने पुणे आरोसी आर यू अंडरस्टैंडिंग उनको लगा तमिलनाडु तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा होती है तो तमिलनाडु में भी उन्होंने दो आरोप दी

कुछ बहुत सारे स्टेट्स को मिलके भी आरओसी कि बहुत सारे स्टेट्स के लिए एक ही ठीक है।, है सर ये हमें पता कैसे चलेगा रुकना हम जाते हैं इसके लिए पे ये एक वेबसाइट है जो आपको अपने पास में रखनी है mca.gov इस वेबसाइट पर जाते हैं इसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट Contact पे जाते हैं यहां पे हमको मिलता है एमसीए के आर दिख रहा है आरोप ऑफ कंपनीज़ तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे पूरा उन्होंने लिस्ट दे रखा है इंडिया में कितने हैं सारे लिस्ट दे रखे हैं उन्होंने जैसे कि बताया आपको तेलंगाना में एक है है ठीक है? फिर आंध्र प्रदेश में एक आरो सी है अब आप में से जो लोग यहाँ के हो सकते हैं में से कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं जो हो सकता है तेलंगाना के होंगे आंध्र प्रदेश के होंगे तो आपको जगह भी पहचान में आएगी कि अरे हाँ 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 हाँ, हाँ ये हैदराबाद की जगह यहां पर आरोसी है फिर यहां पे दिख रहा है भाई साहब ये देखो विजयवाड़ा में यहां पर आरोसी है ठीक है आसाम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम नागालैंड एपी इन सबको मिला के इन्होंने एक आरोपी दे दिया क्लियर एक आरोपी सबको मिला के दे दिया छत्तीसगढ़ में एक आरोपी दे दिया वो दिया बिलासपुर में बिहार झारखंड से कोई व्यक्ति है तो उसने आरोसी दे दिया है कहां पर पटना में फिर एक आरोपी दे दिया है रांची में बिहार और झारखंड का भी अलग अलग दे दिया इन्होंने आप ऐसे समझ लो दिल्ली हरियाणा के लिए भी यहां पे दे दिया है गुजरात के लिए दे दिया आपके अहमदाबाद के अंदर गोवा दमन दीव इसके लिए दे दिया गोवा में क्या बात है यहां पे भी पर हो रही है हिमाचल प्रदेश के लिए दे दिया चंडीगढ़ में जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी दे दिया इन्होंने एक्जैक्टली exactly जम्मू में कर्नाटका के लिए दे दिया इन्होंने बेंगलोर के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर है ग्वालियर में केरला के अंदर दिया गया है कोची में महाराष्ट्र 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 क्या बात है यहां पर दे रखा है एक मुंबई वाला जो आरोसी मुंबई है और एक पुणे वाला तो मुंबई वाला जो मुंबई के बच्चे हैं वो समझ सकते होंगे वन जीरो 100 एवरेस्ट मरीन ड्राइव मुंबई यहां पे आरओसी यहां जाके आप कंपनी रिलेटेड सारे रेगुलेशन हो सकते हैं तो पूरे उस रीजन के जो भी कंपनी उनको रेगुलेट करने के लिए आया पुणे पुणे का आरोसी जो के बच्चे हैं वो लोग ये भी देख सकते हैं कहां पर है ये पीसीएनटीडीए ग्रीन बिल्डिंग ब्लॉक के फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर नियर आकुड़ी रेलवे स्टेशन आकुड़ी आकुड़ी में है ये आरओसी हमारा तो इस तरह से यू कैन अंडरस्टैंड अब अगर इसको हम काउंट करेंगे तो भाई साहब अजी वन अजी टू अजी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे करके आपको मिलेंगे ट्वेंटी फाइव आर अगर आप इनको काउंट करते हो तो आज की तारीख में आपको मिलते हैं सुनना ट्वेंटी फाइव आर तो आज की तारीख में इंडिया में ट्वेंटी फाइव आर ओसी दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज ये मैं आपको एज ऑन डेट बता रहा हूं एमसी की वेबसाइट आप चेक करेंगे आपको ट्वेंटी फाइव नाम मिलेंगे सब्जेक्ट चेंज बिकॉज़ ये चेंज होता रहता है कभी भी तो कभी भी आरोप चेंज हो सकते हैं मतलब कभी भी एमसी uh, को लगा कि यार एक और आरोप अपॉइंट करना है बना सकते हैं रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं दिस इज फॉर रेगुलेटरी पर्पज ज फॉर रेगुलेटरी पर्पज और हर एक आरोसी को उसका दे रखा है क्योंकि कुछ स्टेट में जहां पर दो आरोसी है पुणे और मुंबई तो दोनों का जुरिस्ट्रिक्शन डिवाइड कर रखा है कि पुणे महाराष्ट्र का ये एरिया हैंडल करेगा मुंबई महाराष्ट्र का ये एरिया हैंडल करेगा तो जनरली ऐसा होता है कि मुंबई और नियर पार्ट मुंबई आरोसी हैंडल करता है रिमेनिंग पूरा महाराष्ट्र पुणे आरोपी हेंड करता है वैसे तमिलनाडु में डिवाइड किया तो हरे को अपना एक एरिया दे रखा है कि इस एरिया की कंपनीज को आप रेगुलेट करेंगे आर्योल नाउ अंडरस्टैंड इस तरह से उन्होंने इंडिया में पच्चीस आरोसी बना दी सुनना अब इन पूरे को मैनेज किसको पढ़ना MCA को पढ़ना पड़ता था एमसीए को एमसीए हैड टू मैनेज ऑल ऑफ दीजी एमसीए टू मैनेज ऑल ऑफ दीओसी तो एमसीए क्या बोला रुको, 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 रुको यार हमसे मैनेज नहीं होंगे हम हमारे और आरओसी के बीच में एक और हेड लाते हैं विच आर नोन एज बताओ जल्दी आरओसी के हेड्स को क्या कहा जाता है आर डी रीजनल डायरेक्टर्स रीजनल डायरेक्टर और मुझे बताओ इंडिया में कितने आरडी हैं इंडिया में आरडी कितने हैं इंडिया में आरडी कितने हैं इंडिया में देर आर सेवन आरडी देर आर सेवन रीजनल डायरेक्टर्स तो अब हायरार कैसे हो गई इंडिया में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है इंडिया पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह से होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है उसमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फेफेर अपॉइंट किया इंडिया में सेवन आरडीज सेवन रीजनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए और सात रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे आता है ट्वेंटी फाइव तो को गवर्न करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजनल डायरेक्टर सुनना सुनना रीजनल डायरेक्टर के भी पूरा एरिया डिवाइडेड है रीजनल डायरेक्टर का एरिया कैसे डिवाइड किया है फोकस करना पहले मान लो इंडिया में इन्होंने येलो कलर ले, ले, ले लेते हैं और थोड़ा सा थिक कर देते हैं सुनना देखना अच्छे से इंडिया में मान लेते हैं पहले इन्होंने चार बनाए विजिबल है ना Visible है ना थोड़ा थोड़ा सा इन्हें मैंने पहले चार बनाया हल्का हल्का आइडिया रहना चाहिए इस एरिया के लिए एक और चाहिए तो उन्होंने एक और अपॉइंट किया नॉर्थ ईस्ट यहां पे एक और चाहिए अपॉइंट किया साउथ ईस्ट यहां पे एक और चाहिए अपॉइंट किया नॉर्थ वेस्ट तो आज की तारीख में इंडिया के अंदर आज की तारीख में

और ये भी आपको MCA की वेबसाइट पर पूरा मिल जाएगा यहां पर जाओगे तो रीजनल डायरेक्टर्स आरडी तो आरडी पे क्लिक करोगे की लिस्ट मिल देखो अरे one, two, three, four, five, six, and seven. ये फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन आर डी सेवन आरडी चलो कि इंडिया में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है कि इंडिया में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है

आज का होमवर्क बताता हूं कि ये मैं और भी ड्रॉ करना है जितने सुंदर तरीके से ड्रॉ करते हैं सुंदर तरीके से ड्रॉ करना है आपको ये मैप एक चैलेंज दे रहा हूं सिंपल तरीके से बिकॉज कैसा है कि मैं बहुत सारे लाइफ बैचेस जब लिया हूं, तो मुझे पता, है, मुझे पता है कि आप लोग जो है ना

फाइव हंड्रेड एंड वन रुपीज तो द पॉइंट इज जस्ट कि आपको कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ द बैक्स सोचते हुए करना है तो आपको क्या करना है कि आपको ये मैप आप हाँ हाँ गूगल से प्रिंट निकाल सकते हो आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी करना है करो इट्स अ सिंपल एक्सरसाइज सो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चाहिए तो तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज है तो ये मैप बनाना है मैप में आपको सारे आर ओसी मार्क करने है. सारे आर ओसी मार्क करने है. क्लियर है हम लोग चलेगा ठीक है तो आज के आपके तीन होमवर्क है तो आज के आपके तीन होमवर्क है पहला होमवर्क है

आर यू ऑल विथ मी, ठीक है जैसे ही आपने ये सारे करेक्ट मैप्स मार्क कर दिए आपको वो मैप का फोटो भेजना है इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है या फिर आप जैसे भी भेजना चाहो भेज सकते हो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी जैसे भी आप भेजना चाहिए रैदराब व्हाट्सएप आप, आप पे भेजिए भी आप व्हाट्सएप पे भेजिए व्हाट्सएप पे भीज़ी आपको भेज देना है ये वाला मैप सो so दैट इसमें से जो बेस्ट जोग्रफिकली जो एकदम करेक्ट मैप होगा ना दैट पर्सन गेट्स द रिवॉर्ड रिवॉर्ड इज जस्ट मोटिवेशन सो दैट आप बेहतरीन तरीके से काम करें ठीक है संडे कल रात तक कल रात तक आपका यह मैप आ जाना चाहिए तो ये तीन होमवर्क है ये मेरी आपसे अपेक्षाएं आप हैं कि ये तीन होमवर्क बहुत शिद्दत से आप लोग करेंगे एंड हम लोग मिलेंगे अब मंडे के लेक्चर में अभी क्लियर

Thank you so much for your nice, 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 nice patience. Okay, I'll see people on Monday. And the lecture is over. If there's anyone who can, who intends to ask any doubt, you can ask. Mayur sir, lecture start करेंगे बस आपके 10 मिनट में, ठीक है? तो आप लोग फटाफट से, फटाफट से आप ब्रेक लेने के लिए जा सकते हैं. The lecture is over. इनको कोई व्यक्ति कुछ doubt पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकता है. Okay? Sir, can a member of public company, artificial person, all seven members? Cost तो बिल्कुल इसके ऊपर हम आएंगे थोड़े समय बाद इसके अंदर इशू क्या आता है मैं सबसे पहला सवाल अगर आपका आता है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या तो ऐसा हो सकता है सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन है इज पॉसिबल तो छोटा yes, सा इशू आता है थैंक यू सो मच सो मच सो मच फॉर नाइस चलो कदम so 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 nice, nice, nice बहुत अच्छे से पढ़ाई करो इन्जॉय एल सी यू ऑन मंडे चलो कदम बाय बाय थैंक यू एके के चलो बड़ी आई सी पीपल थैंक यू सो मच फॉर नाइस आई सी पीपल ऑन मंडे देन विद तीनों होमवर्क होने चाहिए ठीक है तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है ना कि सर ये सब ज़रूरत ट्रस्ट मी सिर्फ जैसे लड़खड़ाते हुए पास होने की कोशिश करेगा इसी कारण से रिजल्ट भी कम रहता है अगर आप प्रैक्टिकल आउटलुक uh, से प्रैक्टिकल पर्पजेस से अप्रोच करेंगे सब्जेक्ट को तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा देन ये सारी चीजें तो मैं जो कह रहा हूं तीनों होमवर्क करके आने ईमानदारी से ठीक है चलो सी पीपल ऑन मंडे ठड़ा सर मैराथन लेक्चर वेन यू विल टेक सलोनी मैराथन लेक्चर अगर आप बात करें डिसंबर अटेम्प्ट की तो डिसंबर अटेम्प्ट के लिए मैराथन लेक्चर्स हंड्रेड होने वाले हैं बट आई नॉट गिव यू अ डेट राइट नाउ इट ऑल डिपेंड्स समय मंथ ऑफ नवंबर हो जाएंगे मैराथन लेक्चर्स फॉर डिसेंबर टेंट और अगर आप बात करें जून 21 के लिए तो जून 21 के लिए आपके एग्जाम के एक महीने पहले मैराथन लेक्चर्स होंगे ओके चलो नहीं डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी डिसंबर ट्वेंटी के लिए मैराथन लेक्चर्स होंगे आपके वही एग्जाम से एक महीने नवंबर के आसपास अपेक्षा कर सकते हैं ओके okay? चलो गलसी खड़ा